दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट बेंच के दोनों जजों में सहमति रही, लेकिन सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी की वैधता को दी गई चुनौती वाली अर्जी पर जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल में घोर मतभेद दिखा। जस्टिस से उज्जवल ने केजरीवाल को शराब घोटाले में ही प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से दर्ज मुकदमे में मिली जमानत के लिए तय शर्तों पर भी पुरजोर आपत्ति जताई। इन शर्तों पर उनका रोष साफ साफ दिखा जब उन्होंने कहा कि वो न्यायिक पद पर बैठे और इसके लिए जिस संयम की मांग है उसे देखते हुए खास टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। जस्टिस से उज्जवल ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए सीबीआई को कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने साफ कहा है कि सीबीआई ने बदनीयती से केजरीवाल को तब गिरफ्तार किया जब वह ईडी केस में जमानत पाकर जेल से निकलने वाले थे। अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई की गिरफ्तारी को अवैध ठहराने और सीबीआई केस में जमानत की मांग की दो अलग अलग याचिकाएं दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट की पीठ के दोनों जजों ने दोनों मामलों में अपने अपने आदेश पढ़े। जस्टिस सूर्यकांत ने सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी में कोई खामी नहीं पाई और उसे वैध बताया। हालांकि जस्टिस उज्जवल ने गिरफ्तारी की टाइमिंग का हवाला देकर सीबीआई की नियत पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि सीबीआई ने इसलिए गिरफ्तार किया ताकि केजरीवाल ईडी मामले में जमानत मिलने के बावजूद जेल से बाहर नहीं निकल पाए। उन्होंने कहा कि सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किया जाना केवल प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी द्वारा दर्ज मामले में उन्हें दी गई जमानत को विफल करने के लिए था। इस तरीके से कोर्ट में जज सीबीआई पर भड़क गए। केजरीवाल की बेल पर कई नेताओं का बयान आया है, इसी बीच उनके वकील का भी चौंकाने वाला बयान आया है। जरा सुनिए अरविंद केजरीवाल के वकील ने बेल पर क्या कुछ कहा। देखिए, आज सर्वोच्च न्यायालय में हमारी सीबीआई की बेल, सीबीआई के केस में बेल पेंडिंग थी और आज बेल ग्रांट कर दी गई है और ये आज बहुत बड़ा राहत का दिन है। माननीय मुख्यमंत्री पिछले 5 महीने से जेल में थे, जिस तरीके से हम लोग बार बार ये कह रहे थे कि भी इस केस के अंदर कुछ भी नहीं है और सीबीआई की एंट्री तो हुई उस टाइम पे थी जब ईडी के अंदर बेल हो चुकी थी, तो आज सर्वोच्च न्यायालय ने बेल ग्रांट कर दी है। जहां तक अरेस्ट वाले मैटर में है उसमें दोनों जजेस के अलग अलग व्यूज आए हैं, उसके बारे में जब ऑर्डर्स आ जाएगा मैं कमेंट करूंगा, लेकिन आज राहत का दिन है दिल्ली वालों के लिए भी, दिल्ली की जनता के लिए भी, आम आदमी पार्टी के लिए भी। क्या क्या रखे गए कोर्ट की तरफ से? विशेष कोई शर्त नहीं है, रूटीन की शर्तें हैं। जिस तरीके से सीबीआई के मैटर्स में कोई जर्नल कमेंट्स नहीं कर पाएंगे क्योंकि कोर्ट में मैटर सब ज्यूडिस है, बाकी कोर्ट्स की जब भी कॉल आएगी, जब भी हियरिंग होगी, माननीय मुख्यमंत्री जी को पेश होना पड़ेगा। इस तरह का कोई बैन नहीं है, प्रचार भी कर पाएंगे, माननीय मुख्यमंत्री अपने तरीके से जो उनकी जिम्मेवारी है उसको निभा पाएंगे। अरविंद केजरीवाल नजर आएंगे? बिल्कुल नजर आएंगे, आज शाम को दिल्ली की जनता के बीच में होंगे और बहुत जल्दी हरियाणा की जनता के बीच में होंगे। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।